वेलकम स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं ई लेवल का पेपर डेटाबेस टेक्नोलॉजीज़, जो कि आप लोगों का ई लेवल का E7 पेपर है। और मैं आपको आज के वीडियो में मारिया डेटाबेस जो है वो इंस्टॉल कैसे करते हैं, जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको उसका इंट्रो बताया था, आज हम लोग इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं और साथ ही साथ इसके अंदर की कमांड कैसे यूज़ करते हैं। इसके साथ जो आपको मैंने PDF अटैच की है, इसमें आपको मैंने पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस बता दिया है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल करके पूरा दिखाऊंगा, एक बार ओवरव्यू हो जाए। तो सबसे पहले इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि MariaDB का आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा पहले पूरा का पूरा। हम लोगों ने अपने अकॉर्डिंगली, जैसे आपके पास 32-bit का विंडोज़ एप्लीकेशन है या लिनक्स है या 64-bit का, जैसा भी है उसका सेटअप चला लीजिएगा, नेक्स्ट कर लीजिएगा। और सिंपल से जैसे जैसे फीचर्स यहाँ पर आ रहे हैं वो सारे के सारे स्टेप्स मैंने दे दिए हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं ये पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे होता है, ताकि आपको आसानी रहे। तो ये रहा सेटअप फाइल, यहाँ से हमें नेक्स्ट करना है। लाइसेंस एग्रीमेंट मांगेगा, आप इसे टिक करके नेक्स्ट कर दीजिए। आपके सामने दिखा रहा है कि ये चीज़ें इंस्टॉल हो रही है। हमें हैडी SQL की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये क्या है, ये बहुत यूज़फुल है, ये आगे हम लोग बात करेंगे। आप लोग सिंपल सा नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ आपको एक रूट पासवर्ड देना है, ये कंपलसरी है, क्योंकि इसी पासवर्ड से आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं वो आप लोगों को लॉगिन करेंगे। अब मतलब समझिए ये क्या है, हमारे पास यहाँ पर एक डेटाबेस सर्वर है। डेटाबेस सर्वर क्या होता है बच्चों, ये डेटाबेस सर्वर एक प्रकार का ऐसा मास्टर्स प्रोग्राम होता है जिसके अंतर्गत कई सारे क्लाइंट्स अपना डेटा उसके अंदर रखते हैं। यही मेन काम होता है मैनेज करने का। तो आप लोगों का स्कूल पर एक है, मान लीजिए एक ऑफिस में रखा है कंप्यूटर, तो सभी लोग अपने अपने घर से अपने अपने अलग अलग जगह से उसी मेन कॉमन सर्वर में ही तो डेटा डालेंगे, तभी तो वो कहीं से, अब स्कूल से जो बच्चों का रिकॉर्ड एंटर किया गया है ऑफिस से भी चेक किया जा सकता है, स्टोर से भी देखा जा सकता है स्टोर का रिकॉर्ड्स, तो ये सबका कॉमन सर्वर बनेगा। अब आप लोगों को इसका एक रूट पासवर्ड डालना कंपलसरी है, तो एक कॉमन सा पासवर्ड आप लोग जो भी चाहें वो चूज़ कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर एक कॉमन सा पासवर्ड चूज़ कर लिया। इतना करने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दिया, आपसे पूछ रहा है आपका डेटाबेस का नाम, सर्विसेज कौन सी, MariaDB। ये TCP कोड्स हैं जो कि लोकल सर्वर से हमें कनेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं, इनकी कॉन्फ़िगरेशन सेम रखिएगा, कोई डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट करिए। आपसे पूछ रहा है कि आपको कोई फीडबैक प्लगइन्स वगैरह तो नहीं देना है, नेक्स्ट इसको टिक मत करिएगा, मतलब फालतू का है कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है तो हम फीडबैक क्यों भेजें, ठीक है आपकी मर्ज़ी, नेक्स्ट कर दीजिए। इंस्टॉल बटन पे क्लिक करिए और ये पूरा का पूरा MariaDB सर्वर इंस्टॉल होने लगेगा। थोड़ा सा इंतज़ार करिए, जब ये पूरा इंस्टॉल हो जाएगा हो सकता है आपके सिस्टम क्रैश कर देंगे। फिनिश, ये पूरा फिनिश हो गया। लेकिन अभी आप लोगों का ये तो इंस्टॉल हो गया है, ठीक है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। इनकेस कभी कभार ऐसा भी होता है इंस्टॉलेशन के बाद भी वो आपसे पूछता है कि रीस्टार्ट करना, तो आप रीस्टार्ट कर दीजिए। अब आपको अपना क्लाइंट प्रोग्राम खोलना है, यहाँ पर आप लोग डालिएगा सबसे पहले मारिया। तो मारिया के दो तीन ऑप्शंस खुलेंगे, तो हमें मारिया का क्लाइंट SQL खोलना है और इस क्लाइंट SQL से ही हम लोगों को लिंक करना है। तो देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लाइंट SQL के लिए स्क्रीन किया, तो पहले तो वो बोल रहा है कि आप पासवर्ड डालिए। मैं इसके पहले आप लोगों को लिंक करके दिखाता हूँ। तो हमें पहले अपना क्लाइंट प्रोग्राम लिंक करना है। क्लाइंट प्रोग्राम वही जो मैंने बताया था ऑफिस वगैरह से आप लोगों का मेन सर्वर से लिंक करने के लिए। तो यहाँ पे हमने मारिया कमांड प्रॉम्प्ट खोल लिया, यहाँ एक कमांड डाली जिसका नाम है SQL माइनस यू स्पेस रूट माइनस पी और एंटर मार दीजिए। देखिए ऐसा SQL नहीं, MySQL लिखना है। अब आपसे पूछेगा आप वो पासवर्ड डालिए, तो याद हो आपको आपने रूट में एक पासवर्ड डाला था जिससे कि आप लोग कंसीडर कर रहे थे, और एंटर कर दीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ एरर आ रही है, वेलकम टू मारिया, आप लोगों ने कुछ एरर कर दी है पासवर्ड को एंटर करने में, और कॉपीराइट्स हेल्प, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो वेलकम टू द मारिया, इसने जब ये दिखा दिया वेलकम टू द मारिया मॉनिटर्स, इट मीन्स कि आपका कनेक्ट हो गया। और देखिए यहाँ MariaDB के कमांड्स आने शुरू हो गए। जब MariaDB लिख कर आ जाए तो इसका मतलब है आप लोग लॉगिन कर चुके हैं और अब आप लोग अपने सर्वर वाले सॉफ्टवेयर से कनेक्ट हैं। इस समय हम क्लाइंट एंड पर हैं। अगर आप लोग यहाँ पे कमांड लिखना चाहें तो SQL की कमांड ये सारा लेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया पहला कमांड शो डेटाबेसेस और एंटर कर दिया, तो देखिए यहाँ पर हमारे डेटाबेस के लिए पूरा दिखाने लगा कि कौन कौन से डेटाबेस कनेक्टेड हैं। अभी तो फिलहाल खाली है, इसीलिए कोई भी डेटाबेसेस के अंतर्गत जो भी टेबल्स हैं वो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं।
तो फिलहाल इतना काम करने से आप लोगों का कनेक्शन बन जाएगा। ये एक सॉफ्टवेयर भी आपके हैडी एसक्यूएल भी खोल देगा, आप इसे ओपन करें तो आप जितने भी टेबल्स बनाएंगे वो सारे के सारे टेबल्स आप लोग यहाँ से चेकआउट कर पाएंगे विंडोज़ बेस्ड। यहाँ पर भी आपको रूट का ही मैंने कहने का मतलब है, जो अभी मैंने आपको दिखाया वो आप लोगों का एक तरीके से डॉस बेस्ड था, अब अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ तो ये आपका विंडोज़ बेस्ड यानी GUI एप्लीकेशन है जिससे आप अपना डेटाबेस चेक कर पाएंगे। और जैसे ही मैंने एंटर कर दिया तो आप देख पा रहे होंगे कि अब मैं यहाँ पे जो भी टेबल्स बनाऊंगा वो सारे के सारे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो सिंपल सा इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, आप लोगों को इस पर नहीं करना प्रोग्राम, आप बनाने को तो यहाँ पे भी अपना पूरा प्रोग्राम लिखकर SQL के चला सकते हैं, लेकिन आपको बनाना वहीं पे क्लाइंट साइट्स पे ही है और वहीं से आप लोगों को प्रोग्राम्स शुरू करने हैं। क्लियर? तो आप लोगों को अगली बार से जब भी आप लोग मारिया खोलेंगे तो यहाँ पे क्लाइंट प्रोग्राम दिखेगा और देखिए यहाँ पासवर्ड डालने को बोलेगा और आप लोग जैसे ही पासवर्ड डालेंगे और एंटर करेंगे आपका MariaDB लिखकर आ जाएगा और अब आप लोग अपने अपने सारे प्रोग्राम्स के कोड्स जो हैं वो एक एक करके डाल पाएंगे। तो इसके लिए आपको पहले डेटाबेस क्या होता है, किस तरीके से होता है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास की इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आपको टेबल्स, क्वेरीज, फील्ड, इन वर्ड का मतलब समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।